नमस्कार दोस्तों, आज गूगल डूडल पैरालंपिक आंदोलन के जनक प्रोफेसर सर लुडविग गुटमैन का जन्म 122वां जन्मदिन मनाता है। जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट लुडविग गुटमैन का जन्म 3 जुलाई 1899 को हुआ था। वो पैरालंपिक आंदोलन के संस्थापक थे। गूगल ने अपना होमपेज लोगो एक विशेष डूडल के साथ बदल दिया है। ब्रिटिश न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर लुडविग गुटमैन का जन्म टास्ट जर्मनी में हुआ था और उन्होंने 1924 में अपनी एमडी की डिग्री प्राप्त की थी। इंग्लैंड में गुटमैन ने पैरापेलेजिया में अपने संशोधन को आगे बढ़ाया। 1944 में उन्होंने स्टोक मेडविल अस्पताल में नेशनल स्पाइनल इंजरी सेंटर के निदेशक के रूप में अपने दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया। 1948 में उन्होंने 16 व्यक्ति सदस्यीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया, जो कि पहली आधिकारिक प्रतिस्पर्धा थी जिसमें व्हीलचेयर उपयोगकर्ता थे। बाद में स्टोक मेडविल गेम्स या विकलांगों के लिए ओलंपिक कहा जाता था। 1960 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद में पहला पैरालंपिक आयोजित किया। गुटमैन ने अंतर्राष्ट्रीय स्टोक व्हील मेडविल खेलों की सुविधा प्रदान की। रोगी की देखभाल के लिए उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने 1961 में इंटरनेशनल मेडिकल सोसाइटी ऑफ पैरापेलेजिया यानी इंटरनेशनल स्पाइनल कॉर्ड सोसाइटी और ब्रिटिश स्पोर्ट्स एसोसिएशन फॉर द डिसेबल्ड दैट इज एक्टिविटी अलायंस की स्थापना की। उन्हें उनके योगदान के लिए कई प्रशंसाएं मिली, उनमें से सबसे अधिक जिसमें 1966 में महामहिम महारानी द्वारा नाइट की उपाधि दी गई थी। आज पैरालंपिक एथलीट को उनके कौशल और उपलब्धियों के लिए सही पहचाना जाता है। पैरालंपिक खेल समान उपचार और अवसर पर स्थायी प्रभाव के स्थान साथ विकलांग लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रेरक शक्ति बनके वो आए थे। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई प्रोफेसर लुडविग गुट।